राइस कटलेट रेसिपी हम रात के बचे हुए चावलों से बनाएंगे। ये खाने में बहुत सॉफ्ट और टेस्टी होते हैं। राइस कटलेट रेसिपी के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठे कर लें। राइस कटलेट रेसिपी के लिए सबसे पहले रात के बचे हुए उबाल कर बनाए गए एक कप चावलों को एक ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने पर ये चावल बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। इन्हें हमने एक मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। इनमें हम दो उबले हुए आलूओं को कद्दूकस करके डालेंगे ताकि लम्स ना बन पाए। इनमें एक चौथाई चम्मच अजवाइन को इस तरह मसल कर डालें। तकरीबन दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, बारीक काटा हुआ एक छोटा प्याज, बारीक काटी हुई दो चम्मच हरी फलियां जो कि ऑप्शनल है, बारीक काटा हुआ एक टमाटर, बारीक काटी हुई एक हरी मिर्ची, एक तिहाई चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें। इसमें हम एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर मिला देंगे ताकि इसकी चिपचिपाहट कम हो जाए और ये थोड़ा मैनेजेबल हो जाए। अब हम इस मिक्सचर के कटलेट्स बनाएंगे, जिसके लिए हाथों पर थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगाएं और एक नींबू के साइज का मिक्सचर हाथों में लें और इस तरह से इनके कटलेट्स बना लें। राइस कटलेट्स को हम सबसे आसान गोल शेप में बना रहे हैं। आप चाहें तो अपने पसंद की कोई भी शेप बना सकते हैं। राइस कटलेट्स फ्राई करने के लिए तैयार हैं। आज हम इन राइस कटलेट्स को कम तेल में पकाएंगे, जिसके लिए एक गर्म तवे पर थोड़ा रिफाइंड ऑयल ब्रश कर लें और इस पर तैयार किए हुए राइस कटलेट्स डालकर फ्राई कर लें। हम इन्हें शैलो फ्राई कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इन्हें ज्यादा तेल में डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इनके ऊपर की तरफ भी थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल ब्रश कर दें। अब हम इन्हें बारी बारी पलट कर दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक उलट पलट कर दोनों तरफ से फ्राई करने के बाद जब ये थोड़े क्रिस्पी से नजर आने लगे तब राइस कटलेट्स बनकर तैयार हैं। इन्हें हम अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। इन मजेदार राइस कटलेट्स को बारीक काटे हुए टमाटर और धनिया के साथ सजाकर टोमेटो केचप और गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें। अगर आपके घर भी रात के बचे हुए चावल बच गए हों तो अगले दिन ये टेस्टी राइस कटलेट्स बनाकर सर्व करें। ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रोज एक नई रेसिपी वीडियो देखने के लिए साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाएं। धन्यवाद।